ओम शांति। आज 26 मई 2020 साकार बाप दादा की मुरली, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कौन से ब्राह्मण हैं? हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सार रहे हैं वो हमारे सन्मुख है, वो हमारे सन्मुख है। प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे फिर राज्य करेंगे, पढ़ेंगे भी सही और फिर राज्य भी करेंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। गीत, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, उनमें तो सब गए होंगे, वहां या तो कहेंगे बोलो सब वाहेगुरु या राम का नाम बताएंगे, यहां बच्चों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है, क्या कहते हैं बच्चों, माँ एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं, हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है, उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है, वो एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो, हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ, तुम जानते हो बाबा इनमें आए, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, हम उनके बने हैं, शिव बाबा के बने हैं, बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते, शिव बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है, यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बेहद का बाप माना सारी आत्माओं का बाप, कोई भी आत्मा अलग नहीं। सब चिल्लाते रहते हैं,
कि पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं ये देह नहीं कहती आत्मा, इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वे कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ। और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच। सतयुग में सत पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं, सबसे पुराने ते पुराने ये चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं, जैसे नीचे अंबा का चित्र बनाया है या काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली ही वो थोड़े सकती है। अंबा को भी दो भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, मनुष्यों के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं, तो रूप बदल जाता है, तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो हर एक की अपनी अपनी, कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे, हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे भी वे जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, करते तो है ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान, उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान, वे ये ज्ञान दे ना सके, वे ये ज्ञान दे ना सके। तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए, ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। शंकर ने अमरनाथ पर पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। वे तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे? ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी, ड्रेस आदि सब वही।
जैसे परिवार में रहते थे वैसे ही रस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ भी नहीं। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास, ये है भाग्यशाली रथ, गाया जाता है ना। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया, मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वे थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत ऊंचे हुए। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। बल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं, हम कलयुग में हैं। वंडर है ना, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, तो विनाश होगा। विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, बैग बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। पहले बाबा भूखा मरेगा ना, ये तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते, क्योंकि जानते नहीं तो रहेंगे कैसे। वे ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा को याद में रहते हैं, शिव बाबा का भंडारा ये है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है, गपोड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं व 80% योग में हूं, कोई भी कह नहीं सकता। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वे हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत करते हैं, अपनी दृष्टि से ही देखें और उनका क्रोध शांत हो जाए, ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है, सब कोई याद में रहते नहीं है।
कहां कहां बुद्धि भागती रहती है तो वे फिर नुकसान कर लेते हैं। यहां संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं, ये नहीं बैठे तो सामने परंतु बाप की याद ही ना हो तो दूसरों को क्या याद दिलाएगा। बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाए, तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो, ये है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वे किसकी याद में रहते हैं, वे कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। रियल याद नहीं है तो फायदा नहीं दे सकेंगे। देखो क्या बाबा कहते, सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वे किसकी याद में रहते हैं ये पता है। जब परमात्मा की याद नहीं तो वो रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सके। वो शांति में तो बैठे रहेंगे परंतु फायदा कोई नहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी बाबा के बच्चे शांति में बैठे हैं, उससे कोई फायदा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। याद माना बाबा के डायरेक्शन अपनी आप को समझाना। कितना डायरेक्शन हम अपने आप को समझाते हैं, कितना हम अपने में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, बाबा के डायरेक्शन पर चलने की मेहनत करते हैं, तब है याद। उससे हमारे जीवन में खुशबू आती है, हमारा व्यवहार सबको अच्छा लगता है। वे सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं, वे तो है नहीं। अभी तुमको श्री मत मिलती है, माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है, नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है ना, कि वो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है वो आत्माएं साक्षात्कार, उनको भी साक्षात्कार हो सकता है। आत्मा कितनी छोटी है, नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इसमें इनमें जास्ती है लाइट, इनमें कम है लाइट। दिव्य दृष्टि से आत्मा को देखती हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, शिव बाबा कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं। अब आत्मा को, चमक को, रूहानियत को कैसे देखा जाए। चेहरे में खुशी है, लाइट है, हल्का लाइट दिखाई देती है। अब ये लाइट आत्मा की होती है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी आंखों से जैसे आत्मा निकली, एक चमक गायब हो जाती, वो चमक आत्मा की। आत्मा की चमक को हम देख सकते हैं परंतु आत्मा को नहीं देख सकते।
ड्रामा मुझसे कराते हैं। ये सब जो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार होता है वही मुझसे होता है। ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता रहता है। ये नाटक चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना, कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परम आत्मा की, जो कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। पहले क्या बनती है? पत्थर बुद्धि। फिर क्या बनती है? पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी। अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है, पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। बाप भी बड़ा और टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, एक ही बिंदी। सारा कल्प देहधारी को याद किया है। हम सारा कल्प किसको याद करते थे? देहधारियों को याद करते थे। अब हमें समझ में आया कि ये छोटी सी बिंदी आत्मा हमारा पिता परमात्मा कितना सूक्ष्म। वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है। आप बाप कहते हैं मामी कम याद करो, मुझ एक को याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वे फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते, सतयुग में मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है, मनुष्य कितना मूंछे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हुआ हो गया, वे फिर होगा। अभी तुम बाप की श्री मत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्री मत दी, साक्षात्कार कराया। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब सेवा में लग जाओ। मैं तुम्हें सतयुग का नारायण बना दूंगा, तुम सतयुग के नारायण बन जाओगे। बस अब इस सेवा में लग जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसे तुम करो तो तुम सतयुग के नारायण बन जाएंगे। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो तो ये भी निमित्त बना, ब्रह्मा बाबा भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए, हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है,
कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से काम नहीं बनेंगे, हम लक्ष्मी नारायण से काम नहीं बनेंगे, तो श्री मत पर चल कर दिखाओ। चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा, बाबा ने तो नहीं कहा कि मैं सारा कुछ दे रहा हूँ मेरे बच्चे क्या खाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचा, सारा तन मन धन तीनों बाबा को दे दिया। ये नहीं पूछा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? भाई किसी के घर डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट में मर गया, अब उनके बच्चे परिवार वाले कोई कमाने वाला नहीं भी होता तो भी कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। बाबा कहाँ रहते थे लास्ट तक? झोपड़ी में रहते थे, और तुम बच्चे आकर नए नए भवनों में रहते हो। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है, चाहे जो यज्ञ में एक पैसा भी नहीं लेके आए थे परंतु उनको भी भट्टी में यज्ञ में सब कुछ एक समान ही मिलता था। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, आए क्लास किया चले गए, आए ब्रह्मा बाबा का तन लिया क्लास कराए और चले गए, हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वे कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, वो उन्हें साक्षात्कार की जरूरत नहीं, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा का कहना मानना है और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। मतलब आपका इतना योग याद इतनी अनुभव युक्त हो कि आपका संकल्प ही सामने वाली आत्मा को शांत कर दे। एकदम सन्नाटा हो जाए इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं, श्री मत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। वरदान लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर
इस अंतर को मिटा। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। त्रिकालदर्शी बन जाते हो, तीनों कालों को जान जाते हो कि हम ही देवता थे, अब हम पतित बन गए थे, फिर हम देवता बनने वाले, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक। अपने को क्या करते हो? स्वचिंतक बनते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्या होता है कि इसलिए बैलेंस की कला आप चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता से संपन्न संकल्प तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन अपने आप को देखते हो, फिर परदर्शन को देखते हो, दोनों चक्कर घुमाते हो, कभी खुद को देखते हो कभी दूसरे को देखते हो, ये व्यर्थ की बातें जो हैं उनको खत्म कर कि अब मुझे व्यर्थ की बातों का चिंतन नहीं करना, परदर्शन नहीं करना, स्वचिंतक बनना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य। सेवा का भाग्य मिले तो समझो कि बहुत बड़ा भाग्य है। ओम शांति।